हाय ऑल, वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड ऑफ ग्रोइंग ग्रीन्स। तो पिछले वीडियो में हमने अपना हाइड्रोपोनिक का सेटअप दिखाया था, लेकिन आज के वीडियो में ये हाइड्रोपोनिक का टावर बन के तैयार हो गया है। वैसे जैसे ये डीप वाटर कल्चर था, यहाँ पर ये जो टेक्निक है इस हाइड्रोपोनिक्स को एरोपोनिक कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली जो रूट्स है इस केस में पानी के अंदर रहते थे, लेकिन यहाँ पर रूट्स एयर में ही रहने वाले हैं और उसी में बीच बीच में पानी स्प्रे होता रहेगा, जिसके लिए हमने ये मोटराइज सिस्टम बनाया हुआ है। और ये मैंने कैसा बनाया है इसका वीडियो आपको मेरे दूसरे वाले चैनल में देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको। तो आज के वीडियो में हम लोग वहां से सारे जितने पुदीना वगैरह लगा हुआ है वो सब यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे और इसी में न्यूट्रिएंट फिल करके भी पानी डालेंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें कितना न्यूट्रिएंट ऐड करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये टावर को हटा देता हूँ ताकि आपको पानी से सही से नजर आ सके। तो हम न्यूट्रिएंट पहले मिलाएंगे पानी में, उसके लिए मुझे पहले यहाँ से इस पाइप को अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी करीब 6 लीटर पानी डाला हुआ है, तो उसी हिसाब से हमको अभी न्यूट्रिएंट ऐड करना है यहाँ पर। तो ये दो टाइप के न्यूट्रिएंट यहाँ पर है मेरे पास। एक है न्यूट्रिएंट ए, ये वाला जिसमें माइक्रो इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि एनपीके सॉल्यूशन वगैरह। बाकी ये वाला है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जहाँ पर माइक्रो जितना छोटा मोटा जरूरी होता है वो सब होता है। दो टाइप के न्यूट्रिएंट को सेम अमाउंट में इस पानी में मिलाना है। सो एज पर द इंस्ट्रक्शन हमको 1 लीटर पानी में करीब 10 ml ये सॉल्यूशन मिलाना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर अभी 6 लीटर पानी है तो हमको 60 ml यहाँ पर मिलाना पड़ेगा, और ये जो एक कप है इसमें 30 ml आता है। तो पहले हमने ए वाला न्यूट्रिएंट को 30 ml यहाँ पर ऐड कर दिया और 30 ml ऐड कर दिया, तो ये हो गए 60 ml। तो 6 लीटर पानी में हमने 60 ml ए सॉल्यूशन ऐड कर दिया है। अब इसको सही से मिक्स कर लेंगे। पहले पानी बहुत साफ दिखता था, अभी थोड़ा सा रेडिश रेडिश दिख रहा होगा आपको, शायद कैमरा में नहीं दिख रहा पर थोड़ा सा रेडिश कलर में चेंज हुआ है पानी। अब हम क्या करेंगे, ये जो बी वाला सॉल्यूशन है इसमें से भी हमको 60 ml ऐड करना है। तो इस प्रकार से हमारा न्यूट्रिएंट वाला पानी रेडी हो गया है। अब वापस इस टावर को यहां पर लगा देते हैं और मोटर को अंदर फिक्स कर लेते हैं तो हो जाएगा बढ़िया से। चलिए तो अभी इस टावर को यहां पर अंदर फिक्स कर देंगे। वैसे इंडोर हाइड्रोपोनिक्स के लिए हमें इसके जैसे लाइट्स लगाने पड़ते हैं, और यहाँ पर भी हमें लाइट्स की जरूरत है, पर हमारे यहाँ एक खिड़की है जिसके वजह से काफी बढ़िया से नेचुरल लाइट्स ही इसको मिल रहे हैं, तो लाइट्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, और ये एक एडवांटेज हो गया हमारे लिए। अगर आपको लाइट्स चाहिए होगा तो यहाँ चारों तरफ लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा हाइड्रोपोनिक्स टावर बन के रेडी हो चुका है और हमने न्यूट्रिएंट भी इसमें सही तरीके से ऐड कर लिया है। अभी हमको यहाँ से जितने भी ग्रीन्स है इनको निकाल कर इसमें लगाना है। तो यहाँ पर कुछ जो पुदीने के पौधे हैं ये आप देख सकते हैं, ये रहे, जहाँ पर काफी बढ़िया रूट्स यहाँ पर डेवलप हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, आराम से धीरे धीरे ये सारे रूट्स इसके अंदर डाल देंगे। बढ़िया, तो रूट्स वहाँ अंदर बढ़ते रहेंगे और बाहर ये पौधा बढ़ता रहेगा। इसी तरह से हम एक और भी ले आते हैं। तो अभी इस टावर का जो मोटर है वो ऑन हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले पानी आता है और वहाँ जमा होके यहाँ पर होल्स बनाए गए हैं, जहाँ पर शावर जैसे होता है बिल्कुल वैसे यहाँ पानी नीचे गिर रहा है। और नीचे चल के देखेंगे तो यहाँ पर रूट्स पर पानी गिर रहा होगा। तो ये देखिए, अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ
ये देखिए, यहाँ से नीचे पानी आके इन रूट्स पर गिरता है और इसी पानी से ही ये रूट्स जो है न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करके बढ़ते रहेंगे। पता है कुछ खास दिख नहीं रहा है, लेकिन इस प्रकार के एरोपोनिक टावर जो ऑनलाइन में देख रहा था वो करीब 3,000 रुपये का आ रहा है, और यहाँ पर हमने ये सिर्फ 1,000 रुपये में बना है, तो उस हिसाब से तो बढ़िया ही है। और अभी फिलहाल खाली लग रहा है क्योंकि ये सब प्लांट्स नहीं लगाया गया है, लेकिन जल्दी हम यहाँ पर प्लांट्स भी लगा देंगे, पर उसके लिए समय लगेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि और क्या सब किया जा सकता है इसके साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी सही से मिलता रहेगा। बाकी ये मैंने कैसे बनाया है ये अगर आपको देखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाके देख भी सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कीप ग्रोइंग ग्रीन्स। Thank you.